ऐसा होता है चौड़ा खेतन में रान मरुआ दे इनको कोई भेद नहीं है। अरे यात्रिया में एक गुण ने अनेक गुण बेकारी बेकार है। सज्जनों जब राजा बासी की घरवाड़ी ऐसो दाल रतायो खुल्ला केस भकेड़ लिया चूड़ा हाथी दांत को फोड़ दियो महलों में औंधी खाट विचार अपना तन का कपड़ान को फैर सो जाती है। जय हो। और जब राजा बासी आता है तो देख रारी कुर घबरा जाता है। मन में विचार बनाया रे रानी आज या कहीं होगो तो देखो राजा वासी का अपनी घरवाड़ी से किस प्रकार से लाड लड़ा रखे तो गुजर बाबा बोल रहे राजा ही बोल रहे किसा बोल रहे दिखाने कैसे बोल रहे बाबा बुरो मत मान जो गुजरन के विषय हाल विचारान के। अरे पांच भाई है तो एक भाई के पैर बानी आ जाए सटाटा रोटी सेक दे बिचारी बहुत अच्छी है भाई रामदाई ने तो देखो किस प्रकार से देखो राजा लाड लड़ाता है रे देखो कैसे लड़ा रहा ये रे रानी सासी सासी अबे हो रे मैडम सासी सासी पर जानो सासी सासी कह दे तारा खट के तारा बात कह ले दे काईया ता की यार रानी सासी सासी कह दे तारा खट के तारा बात कह ले दे काईया ता की ओ रो रे बोलो सासी सासी कह दे तारा खट के तारा बात कह ले दे काईया ता की ऐसा होता है रानी तो सामी को झांके और सामी झांकी तो कहीं खेरी रे अरे कतेरो बहने ऐसे अरे कतेरो माइल जन्म कर गाती हो से कर गोर जोरा हो तो भैया I'm
पंडवा लगा दी। अब तो राजा वासिक ने मन में विचार बनायो, अरे मैं जोदा मेरे चलने से धरती धेला खाती है और मेरी घरवाली से देखो अवधपुरी का भूप ऐसे काम कर सकता है नहीं, कभी नहीं सज्जनों। अरे राजा वासिक ने, नागन का राजा ने दो नाग खंदाया, तुम जाओ राजा दशरथ को डस के अवधपुरी में से वापिस महल में आओ। सज्जनों दो की ठोर चार नाग चले जाते हैं, दो तो चोर दो साहूकार, और दरवाजे के कोने पर चपक जाते हैं। जब उसी टाइम के कई और कौशल्या राजा दशरथ से कहने लग रहे, स्वामी पहले तो तुम भाई ला कर जावा, जा दो दिन चार दिन पांच दिन में आवार, आज वापिस हाथ के हाथ कैसे आ गए। राजा दशरथ ने मन में विचार बनाया, रानी खेबे की बात इतना खेऊ तो कहीं नहीं जावे। अरे देख रानी सुमित्रा का चल तन को देखो, मेरा पामन की भूट रखस जावे। अरे मेरे धरण पसीना हुआ, मेरो भयलो सजोदा और बाकी घरवाड़ी ऐसे गलत व्यवहार में मुँह पे देखी नहीं गई। अरे यात्रिया जाति का कोई विश्वास नहीं। राजा दशरथ को के कई और कौशल्या समझाते, अरे स्वामी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा रूप कौन सो जे में हवा नहीं लगी, चिंता करने की कोई अवस्था नहीं है। इतनी बात कहकर देखो तीनों घर का शांति से हो जाते हैं, चारों नाग वापिस देखो पाताल लोक में चले जाते हैं। पाताल लोक को जाते हैं, राजा वासिक को पूरा हाल सुनाते हैं। राजा नहीं राजा को दोस्त तुम्हारी रानी गलत है, तो सज्जनों इस बात को कहते हैं, अरे नागदेव वासिक से तो देखो, वासिक राजा के घबराहटी आ जाती है, किस प्रकार से घबराता है, क्या कहता है रे। और सुना शब्द दे नागन ने जब पाताल लोक को, हो कैसे भैया। और सुना शब्द दे राजा ने जब पाताल लोक को जावे, दाताई बास के हाल सुनावे। सुना भैया। और एक दाताई बास के तू समझावे रे राजा, तेरी अरवाड़ी न कटिरिया बन सपाता को, बोलेगी भैया। नहीं भाई लगतो सिक्कु। तो देखो पूरी बात नागन ने सुनाई और दशरथ को पता नहीं था, अगर यहाँ कोई दूसरो सुन रहा है मेरी बातन को, पूरी बात सुनाते हैं तो वासिक राजा आदर से तीरथ जोड़ के भयला को उल्टा देखो पाताल लोक में बुलवा रहा है। क्या हो रहा है सज्जन नहीं कहे, क्या हो रहा है। राजा दशरथ भयला को देखो, वासिक राजा अपने महलों में किस प्रकार से बुलाते हैं आदर से ती देखो, जाए तो भाईला की कोई भी हो, पर भाईला तो भाईला ही हो, न्यू भी खाए भाईला घर खाएला। तो सज्जनों देखो राजा वासिक के पास में रतलेर चले जाते हैं नाग, और आदर से दी अवधपुरी में लिया नहरी के, क्या होता है रे, क्या होता है रे। अरे भूप ने रतला लियो जोड़ जब नाग तू अवधपुर दे जा नाग जब भाग्या भाग्या। ओ आए भैया जावे दाता है दशरथ तू भैया। अरे भूप तो मैं मन में झूला, मेरे खाने चाहिए तो मेरे क्या याद में तो
जाओ सज्जनों, जब देखो राजा दशरथ को, राजा दशरथ को आदर से थी पाताल लोक में ले आया, तो देख पाताल लोक में राजा दशरथ को घबराती आ जाती है। हो सके रानी ने कोई जाल रच लिया और भाई लोगों को जाल सिर बुला रहे। तो सज्जनों, पाताल लोक में राजा दशरथ आया तो देखो वार्षिक राजा देख राजा को पहला ही घबरा जाता है। और दोनों भाईला किस प्रकार से मर रहे हैं आप ध्यान से सुनो भाईलान की बात। कैसे? ये पर वो गड़ा की बात दोनों आपस में टकरावे। टकराने लग जाते हैं और बिल्कुल घबरा जाते हैं राजा वासी की रू। और जब राजा दशरथ देखो शांति का दान देता है तो राजा दशरथ से राजा वासी क्या कहता है, अरे रे रे तेरे रे दोनों वो जोड़ू रे आत्मान जा रे मेरी मेरी अरे वो चले जा रे रानी तू तो राजावासी अपनी घरवाली से काई कह रहा है, रे टूट गो पैरे में कोने बात फैलाड़ी भाई थारी सुनो बता रे टूट गो पैरे में कोने रे बात फैलाड़ी भाई रे सेंदा बाये लागे जागी रे मारा रे साथ फेराड़ी फेराड़ी मारा अरी मारी रानी लाडली तेने बारी कुमत कुमाई कैसे, अरी दोनों जोड़ू आते बावड़ी बाये लागे जा जोरी नहीं सफा तड़ा कुलेगी। अरे काई ते बार तेरो मेरी शानी अब बाये लागे जाजो जाजो तो को बड़ी समय में कर दे कहीं इतबार रानी को रानी को कहीं इतबार रानी को रानी को
राइयाल सुनावे रे बाशक तो न्यू समझावे अरे अजी सारा याल सुनावे रे बाशक तो न्यू समझावे अरे अरी उतर मेल सूजा मारी रानी तो सूमे मेलन में वारो जायो भाई जब रानी तो न्यू समझावे पिया गलती की माफी चामूरे दुबारा न करू ये कामन को मुकु मेल में रे वादे रे सारी बात बताई राजा को काई इतबार रानी को रानी को काई इतबार रानी को जनो इस बात को देखो सुमित्रा को समझाते राजा वासी की और देखो राजा दशरथ कहीं के पेश कर देता है ले जा भाईला इसकी खेनन में मैं आगार तो को नाग डस जाता देखो अवधपुरी में तो कोई नाम निशान नहीं है कौन आपकी राजगादी की घंटा तो सज्जनो अरे दे धक्का नागिन को सुमित्रा को रथ में बैठा दी और रथ में बैठाते देखो राजा दशरथ कहीं कह रो रे कहीं कह रो है हमारा जच्चे जे लिया तो प्रिय सज्जनों काई कह रहे देखो राजा दशरथ काई कह रहे जो जी हां ऊंट गाड़ी तो राजस्थान चीज लिया तो सज्जनों देखो काई कह रहे क्या कह रहे मेरे भैया अरे के तेरे दोनों जोड़ुआ तू तो सपाटा को बोले की भैया सपाटा बाबा छोटी सी थोड़ी सी झटपट गा रही थोड़ी सी ऑर्डर दबा दे जय मां उठाटा को गाओ जय महादेव अबाल गाओ एक कंजूस ससुर को तो देखो सज्जनों जब राजा दशरथ देखो बहुत जहरीली नागिन को ले आते हैं रास्ता में सपत ऋषि का स्थान आ जाते हैं सपत ऋषि का स्थान पर डर जाते हैं ऋषि मन में मतो बनाता है कि जहरीली नागिन के साथ में उठक बैठक करेगा तो
तो राजा दशरथ खत्म हो जाएगा। पूरी आतन को काट के भैर बगादी एक आंत रहेगी, एक आंत रहते ही सज्जनों उसी आंत से शेष लक्ष्मण जी का जन्म हो जाता है। शेष लक्ष्मण का जन्म होता है किस प्रकार से अवधपुरी में पहुंचना था, एक मोटी झोटी कर दूं। अवधपुरी में पहुंच जाते हैं रानी के कई और कौशल्या आरता की थाली लेकर खड़ी हो जाती है और ऐर तो करती है तो देखो चरण में पड़ती है कौन गए के कई और कौशल्या के आशीर्वाद दे देता है दे देती है आस बहोर हम सिर की हो सुंदर नारी। अरे सुंदर स्त्री बन जाती है सुमित्रा नारी पहल की तक कई कौशल्या सुमित्रा और हो जाती है। बोल बंसी वारे की जय हो, बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। छाटा का कह दू बाबा हमारी तो मनोकामना पूरी करी, थोड़ी थोड़ी अधपरी रहेगी, फिर इनकी कर दी ये कुछ चक्रो या कूदे को गुजरी कला रहे।